हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और वैसे तो हम लोग इस चैनल पर ज़्यादातर पावर रेंजर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से पावर रेंजर्स को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि पावर रेंजर्स के असली फैंस जानते हैं कि पावर रेंजर्स को इंडिया में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जेटएक्स चैनल को जाता है, जिस पर पावर रेंजर्स के अलावा बहुत से सुपर हीरो शोज दिखाए जाते थे। तो आज हम आपको अर्ली 2000 के दौर में वापस लेकर जाएंगे और बात करेंगे ऐसे ही 10 एनिमेटेड सुपर हीरो शोज के बारे में जिन्हें हमने अपने बचपन में जेटएक्स चैनल पर देखा है। शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कोई रैंक लिस्ट नहीं है, ये सभी शोज रैंडमली अरेंज्ड हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये सभी शोज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अगर आपने इनमें से कोई भी शो अभी तक नहीं देखा है तो आप ये शो देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बिना ज़्यादा समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, एटम अल्फा टीन्स ऑन मशीन्स। एटम अल्फा टीन्स ऑन मशीन्स साल 2005 में आया एक इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच सुपर हीरो एनिमेटेड टेलीविजन शो था, जिसके अंदर कुल मिलाकर 2 सीजन्स और 26 एपिसोड्स थे। ये शो मुख्य तौर पर फोकस करता है 5 ऐसे टीनेजर्स पर जो कि लैंडमार्क शहर में रहते हैं और ली इंडस्ट्रीज के व्हीकल्स और वेपन्स के प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करके उनका इस्तेमाल करते हैं शहर के क्राइम बॉस अलेक्जेंडर पेन और छोटे मोटे अपराधियों से लड़ने के लिए। नंबर टू, अमेरिकन ड्रैगन जेक लॉन्ग। अमेरिकन ड्रैगन जेक लॉन्ग साल 2005 में आया एक अमेरिकन सुपर हीरो एनिमेटेड टेलीविजन शो था, जिसके अंदर 2 सीजन और कुल मिलाकर 55 एपिसोड्स थे। ये कहानी है एक चाइनीज अमेरिकन लड़के की जो अपनी नई ड्रैगन पावर्स के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये शो एक टीनेजर और एक टीनेजर की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है, जैसे कि पहला प्यार, दोस्त, परिवार, एटसेट्रा एटसेट्रा। जेक का पहला प्यार है उसी के स्कूल में पढ़ने वाली रोस, जो कि बदकिस्मती से मिस्टिकल क्रीचर्स को मारने वाले निंजास के कल्ट हंट्स क्लैन की मेंबर है। जेक किस तरह से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है और किस तरह से एक सच्चा अमेरिकन ड्रैगन बनकर उभरता है, ये देखना काफ़ी मज़ेदार था। नंबर थ्री, ड्रैगन बूस्टर। ड्रैगन बूस्टर साल 2004 में आया एक कनेडियन एनिमेटेड टेलीविजन शो था, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 सीजन्स और 39 एपिसोड्स थे। ये कहानी है आर्था पेन नाम के एक यंग स्टेबल बॉय की, जिसे बो द ड्रैगन ऑफ लेजेंड ने चुना और ड्रैगन बूस्टर बना दिया। ड्रैगन बूस्टर के ऊपर जिम्मेदारी थी ड्रैगन्स और इंसानों को यूनाइट करके रखने की और दुनिया को उस जंग से बचाने की जो आने वाले वक्त में ड्रैगन्स और इंसानों के बीच में हो सकती थी। इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि देखते वक्त ये शो एक सफर की तरह महसूस होता है, जहाँ पर यह देखना बहुत ही अमेजिंग है कि आर्था पेन किस तरह से अपने रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, किस तरह से सारी रेसेस जीतता है, किस तरह से बुराई के खिलाफ जंग लड़ता है और आखिर में अपने सभी दोस्त और दुश्मनों को काफ़ी हद तक यूनाइट भी कर देता है। नंबर फोर, गेटेड। गेटेड साल 2005 में आया एक यूएस कैनेडियन कंप्यूटर एनिमेटेड टेलीविजन शो था, जिसके अंदर कुल मिलाकर 26 एपिसोड्स थे। गेटेड एक इलेक्ट्रोजेनेटिकली इनहांस टीनेजर था जो कि डोजो डिलीवरीज के लिए काम करता था। साथ ही वो फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेस सिटी के अंदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल क्राइम से लड़ता था, जिसका मास्टरमाइंड था साइमन बेटलैम। नंबर फाइव, गैलेक्टिक फुटबॉल। गैलेक्टिक फुटबॉल साल 2006 में आया एक फ्रेंच साइंस फिक्शन एनिमेटेड टेलीविजन शो था, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 सीजन्स और 78 एपिसोड्स थे। इस शो को कन्वेंशनल 2D एनिमेशन को 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ मिलाकर बनाया गया था। इस शो के अंदर अकेलियन नाम का एक इनहेबिटेड प्लैनेट दिखाया गया है, जिसके अंदर फ्लक्स नाम की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये फ्लक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स में इसे बैन कर दिया गया है, सिवाय अकेलियन के, क्योंकि अकेलियन में एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स का सबसे अमेजिंग स्पोर्ट जिसे कहते हैं गैलेक्टिक फुटबॉल। गैलेक्टिक फुटबॉल के प्लेयर्स फ्लक्स नाम की इस मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एजिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। ये शो खास तौर से फोकस करता है स्नोकिट्स नाम की एक फुटबॉल टीम पर, जो कि 15 साल बाद गैलेक्टिक फुटबॉल कप को जीतने का सपना देख रहे हैं। और ये शो तो चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसका साउंड ट्रैक बहुत ही ज़्यादा औसम है, जो इस पूरे शो के फील को कहीं ज़्यादा इन्हांस कर देता है। नंबर सिक्स, मॉन्स्टर बस्टर क्लब। मॉन्स्टर बस्टर क्लब साल 2008 में आया एक फ्रेंच कैनेडियन साइंस फिक्शन कंप्यूटर एनिमेशन टेलीविजन शो है, जिसके अंदर 2 सीजन और 52 एपिसोड्स हैं। ये कहानी है 4 टीनेजर्स की, जिसमें से एक एलियन है और बाकी 3 इंसान हैं, और ये चारों टीनेजर्स अपने शहर को किसी भी तरह के एलियन इन्वेजन से बचाने का काम करते हैं। मॉन्स्टर बस्टर क्लब का प्राइम ऑब्जेक्टिव है ऐसे एलियन क्रिमिनल्स को लोकेट करना जो कि सिंगल टाउन में छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें कैप्चर करना और उसके बाद उन्हें इंटरगैलेक्टिक अथॉरिटीज़ के हवाले कर देना। नंबर सेवन, सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो।
सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स को साल 2004 में आया एक अमेरिकन जैपनीज साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड शो था जिसके अंदर कुल मिलाकर 4 सीजन्स और 52 एपिसोड्स थे। ये कहानी है चीरो नाम के एक लड़के और 5 साइबॉर्ग मंकीज की जो शुगाजूम शहर को स्केलेटन किंग से बचाते हैं। और ये शो काफ़ी हद तक पावर रेंजर्स से मिलता जुलता है क्योंकि जिस तरह से पावर रेंजर्स के पास बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उनके मेगाजॉड्स होते हैं, उसी तरह से सुपर रोबोट मंकी टीम के पास उनका सुपर रोबोट है बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। बेशक इस शो को अमेरिका और जापान ने मिलकर बनाया है और पावर रेंजर्स का कॉन्सेप्ट भी जापान से ही आया है, तो इसीलिए शो के अंदर काफ़ी जैपनीज टच देखने को मिलता है। जिस तरह का इसका एनिमेशन भी है वो भी काफ़ी हद तक जापान के एनिमे से मैच करता है। नंबर 8, मार्टिन मिस्ट्री। मार्टिन मिस्ट्री साल 2003 में आया एक फ्रेंच कैनेडियन एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड टेलीविजन शो था जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 सीजन्स और 66 एपिसोड्स थे। ये शो इटालियन कॉमिक बुक राइटर अल्फ्रेड कैस्टेली की कॉमिक बुक्स पर बेस्ड था जिसके मेन कैरेक्टर्स थे मार्टिन और डायना नाम के 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो शेरब्रुक सिटी में रहते थे और अपनी पढ़ाई के अलावा द सेंटर नाम की एक सीक्रेट पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए काम करते थे जहां ये दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते थे और पृथ्वी को हर तरह के सुपर नेचुरल थ्रेट से बचाते थे। नंबर 9, गार्गोयल्स। गार्गोयल्स 1994 में आया एक यूएस कैनेडियन एनिमेटेड टेलीविजन शो था जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 सीजन्स और 78 एपिसोड्स थे। इस शो के अंदर गार्गोयल्स नाम के सुपर नेचुरल क्रीचर्स दिखाए गए हैं जो कि दिन में पत्थर बन जाते हैं और रात को वॉरियर। हजारों साल तक पत्थर बने रहने के बाद गार्गोयल्स मॉडर्न टाइम में जाग उठे हैं दुनिया को बचाने के लिए। नंबर 10, द लेजेंड ऑफ टार्जन। द लेजेंड ऑफ टार्जन साल 2001 में आया एक अमेरिकन एनिमेटेड टेलीविजन शो है जो कि एडगर राइस के नॉवल टार्जन पर बेस्ड था। इस शो के अंदर कुल मिलाकर 2 सीजन और 39 एपिसोड्स थे। ये शो 1999 की मूवी द लेजेंड ऑफ टार्जन की स्टोरी को कंटिन्यू करता है जहां हमें टार्जन, जेन और उनके दोस्तों के डे टू डे एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि टार्जन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे किसी भी तरह के फैंसी गैजेट और सुपर पावर्स की जरूरत नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ, विल और करेज ही काफी है उसके सभी दुश्मनों को हराने के लिए। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 10 एनिमेटेड सुपर हीरो शोज जिन्हें आपने अपने बचपन में जेटक्स पर देखा है। उम्मीद है आप सभी को, खासतौर से जो 90s के किड्स हैं, ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बार ये कुछ नया ट्राई किया था, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक शो या फिर किसी और टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इनमें से कोई भी शो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, आप लोग उस वेबसाइट पर जाकर ये सभी शोज बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।